आज आपके सामने ग्रेट मॉर्निंग लिख रहा हूं। ग्रेट मॉर्निंग में मैं चाहता हूं कि आप सभी ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन का लेक्चर नंबर 7 मेरे से ध्यान से समझ लें, बिकॉज मैं आज लॉजिक्स, कंसेप्ट्स, बेसिक्स डिटेल में डिस्कस करूंगा। आइए आइए, लेट्स स्टार्ट विद द जर्नी। ग्रेट मॉर्निंग, ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन, ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन लेक्चर 7। नो डिफीट इज फाइनल अंटिल यू स्टॉप ट्राइंग, जब तक आप कोशिश करना नहीं छोड़ते। बेटे हिम्मत छोड़नी नहीं है, करके दिखाना है। ऊंचा रहे झंडा हमारा, करके दिखाएंगे। नो डिफीट इज फाइनल अंटिल यू स्टॉप ट्राइंग। आइए, इन सच सच सभी बातों के साथ मैं भूपेश आनंद, आई वॉन्ट टू जस्ट टेल यू, यू नो वी आर डूइंग रीअपोर्शनमेंट, वी आर डूइंग रीअपोर्शनमेंट ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट कॉस्ट टू द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स। इट मीन्स वी आर डिवाइडिंग द सर्विस डिपार्टमेंट कॉस्ट टू द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स। हम आजकल सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, मैंने आपको कुछ मेथड्स बताए हैं। मेरा नाम भूपेश आनंद है, मैं टाइट लगाकर आपके सामने खड़े होकर लेक्चर ले रहा हूं बेटे, फुल एनर्जी के साथ। तो मैंने लिखा मेथड्स ऑफ रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट कॉस्ट टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स। बेटे सर्विस डिपार्टमेंट की कॉस्ट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए तीन तरीके हैं बेटे, तीन मेथड्स हैं। वी हैव डिस्कस्ड द केस स्टडीज। पहला था डायरेक्ट, दूसरा था स्टेप डाउन। हमने इसका केस स्टडी डिस्कस किया, इसके लिमिटेशंस बताए, डीमेरिट्स बताए। फिर मैंने कहा रेसिप्रोकल सर्विसेज मेथड इज द बेस्ट मेथड, बट विद इन दैट वी हैव टू डिस्कस थ्री, साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड, रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड एंड ट्रायल एंड एरर मेथड। मैंने लास्ट लेक्चर में आपको साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड बताया था कि भाई हम क्या करते हैं, हम सर्विस डिपार्टमेंट, जो एक सर्विस डिपार्टमेंट दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट को रेसिप्रोकल सर्विसेज दे रहा है, वी अज्यूम दैट टोटल अमाउंट इज एक्स। बेटे इक्वेशन में तो कुछ भी अज्यूम करना पड़ता है ना, तो एक सर्विस डिपार्टमेंट की कॉस्ट को एक्स मान लेंगे, दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट की कॉस्ट को वाई मान लेंगे, दो इक्वेशंस बन जाएंगी एंड वी विल पुट द वैल्यू ऑफ एक्स इन वाई और वाई इन एक्स, दैट इज इधर इक्वेशन 1 in 2 और 2 in 1 एंड वी कैन डायरेक्टली सॉल्व इट। ज़्यादा मुश्किल है नहीं बेटे। आज के जो लेक्चर है ना, मुझे जो बताना है वो है रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। नाम क्या है? रिपीटेड, बार 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 देखो, हजार बार देखो, एक गाना भी है यार, देखने की चीज है बार बार देखो। रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन नेम इंडिकेट्स, रिपीट करो रिपीट करो रिपीट करो, रिपीट डिस्ट्रीब्यूशन रिपीट डिस्ट्रीब्यूशन रिपीट डिस्ट्रीब्यूशन, कि आप बार बार बांटते जाओ। आइए जी, मैं चाहता हूं कि आप पहले थोड़ा सा लिख लें, फिर हम देखेंगे कि इसमें एक्चुअली में करते क्या। मैं बेटे प्रैक्टिकल केस स्टडी की हेल्प से बताऊंगा कि जब एक सर्विस डिपार्टमेंट दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट को सर्विसेज देता है और ये दूसरा पहले को देता है, फिर पहला दूसरे को देता है, तो हम क्या करेंगे, बांटते जाएंगे बांटते जाएंगे बांटते जाएंगे, एक लेंथी प्रोसेस को फॉलो करेंगे। तो लिखते हैं रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। एज पर दिस मेथड, दिस मीन्स रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन, सर्विस डिपार्टमेंटल कॉस्ट, जो सर्विस डिपार्टमेंट्स हैं, बिकॉज वी आर रीडिस्ट्रीब्यूटिंग इट, वी आर रीअपोर्शनिंग इट, वी आर डूइंग सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन, द सर्विस डिपार्टमेंट कॉस्ट आर अपोर्शनड ओवर अदर डिपार्टमेंट्स, मतलब अदर मीन्स प्रोडक्शन एंड सर्विस, एज पर एग्रीड परसेंटेज, एज पर द यूज दे हैव, एज पर द सर्विसेज दे हैव टेकन। तो बेटे आप में से ना कुछ बच्चों ने रजिस्टर भी नहीं खोले यार, ये कितनी गलत बात है यार, करो बेटे। बेटे ये मेथड मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, पहले आप ईमानदारी से करो। विद्या ददाति विनयम, विद्या विनय से आती है, विद्या विनय देती है, विद्या लक्ष्मी भी देती है, तो आप उस विद्या को अर्जित कर रहे हो। आप लिखो ना रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, एज पर दिस मेथड सर्विस डिपार्टमेंट कॉस्ट, जो सर्विस डिपार्टमेंट हैं जो कुछ बनाते नहीं हैं उनकी कॉस्ट उन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स में जब हम डालेंगे तो
तो हम क्या करेंगे उस प्रोसेस में, रिपीटेड बार बार डालेंगे, बार बार डालेंगे। एक बच्चा कहता प्रैक्टिकली करके बताओ। बेटे करूँगा ना, आप पहले लिखो ना बी पॉइंट एंड दिस प्रोसेस इज रिपीटेड। वो कहता जी इस प्रोसेस को हम रिपीट करते जाएंगे, कब तक? अंटिल द टोटल कॉस्ट ऑफ सर्विस, द टोटल कॉस्ट ऑफ सर्विस, द टोटल कॉस्ट ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट फिगर्स, द टोटल कॉस्ट ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट फिगर्स बिकेम टू स्मॉल, जब तक सर्विस डिपार्टमेंट की फिगर्स बहुत ज्यादा छोटी ना हो जाए। छोटी की कोई फिगर नहीं है, अभी देखेंगे। वंस में, टेंस रुपीस में आ जाए या वंस टेंस डॉलर्स या सेंट्स में आ जाए, तब तक बांटते जाओ, बांटते जाओ, बांटते जाओ, बांटते जाओ। बड़ा ही मजा आएगा बेटे इस मेथड में करते समय। आपका कैलकुलेटर आपके पास अगर होगा और आप जो केस स्टडी में करा रहा हूं उसको लिख लोगे तो बेटे और ज्यादा मजा आएगा। एक बच्चे ने कहा सर एक बार रिपीट कर दें। बेटे रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड कर रहे हैं। देर आर थ्री मेथड्स बेटे, एज पर सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन देर आर थ्री मेथड्स, एज पर रेसिप्रोकल सर्विसेज मेथड देर आर थ्री मेथड्स। वन इज साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड, सेकेंड इज रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, थर्ड इज ट्रायल एंड एरर मेथड। ये तीन मेथड्स हैं। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। मैंने कहा मैं भूपेश आनंद आज आपके सामने रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड को कर रहा हूं। एज पर दिस मेथड सर्विस डिपार्टमेंट कॉस्ट आर अपोर्शन ओवर अदर डिपार्टमेंट्स, दैट इज प्रोडक्शन टू एज वेल एज टू सर्विस एज पर एग्रीड परसेंटेज। देखेंगे बेटा, देखेंगे, अभी देखेंगे। एंड दिस प्रोसेस इज रिपीटेड, और ये प्रोसेस आप बार बार करते जाओगे जब तक सर्विस डिपार्टमेंट की जो कॉस्ट है निल या नेग्लिजिबल ना हो जाए। आराम से लिखेंगे बेटे। आओ जी हम एक प्रैक्टिकली करके देखेंगे। और आप सबको कसम है अगर आपने ये केस स्टडी नहीं लिखी, मैं बता रहा हूं आप फेल हो जाओगे अगर आपने ये केस स्टडी नहीं लिखी, लिखनी है, मैं कसम कह रहा हूं आपको। एज अ मैनेजमेंट अकाउंटेंट, एज अ मैनेजमेंट अकाउंटेंट, बिकॉज यू आर अ मैनेजमेंट अकाउंटेंट, रीअपोर्शन सर्विस डिपार्टमेंट कॉस्ट टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स। सर्विस डिपार्टमेंट की कॉस्ट को प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में डाल दो एज पर रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। बेटे मेरे को क्योंकि लॉजिकली रिपीटेड ही बताना है तो मैं आज साइमल्टेनियस लास्ट लेक्चर में बता दिया मैंने। फिर हम डिफरेंसेस देखेंगे दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन साइमल्टेनियस एंड रिपीटेड एंड ट्रायल एंड एरर एंड वी विल फाइंड आउट व्हिच इज द बेस्ट आउट ऑफ दैट। बट फर्स्टली वी हैव टू लर्न दैट व्हाट इज रिपीटेड। तो मैंने कहा आपको निम्नलिखित जानकारी दी जा रही है, जानकारी मुहैया करा रहे हैं। वी आर गिविंग यू इन्फॉर्मेशन इन रिगार्ड टू प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन दैट दीज आर द ओवरहेड्स ऑफ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वन, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट टू, सर्विस डिपार्टमेंट वन, सर्विस डिपार्टमेंट टू। नाउ यू हैव टू अपोर्शन, रीअपोर्शन द सर्विस डिपार्टमेंट कॉस्ट टू द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स एज पर रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन, बिकॉज माई लॉजिक इज, माई ऑब्जेक्टिव इज दैट यू, आई शुड टेल यू वॉट इज रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन। और आप लिख रहे हैं इस समय, आप बिल्कुल अपने पेज को इसी तरह से, इतने टेबल्स, इतनी लाइंस आपने ड्रॉ की, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वन, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट टू, सर्विस डिपार्टमेंट वन, सर्विस डिपार्टमेंट टू। आपने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वन, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट टू, सर्विस डिपार्टमेंट वन, सर्विस डिपार्टमेंट टू। बेटे आपने ये सब कुछ ऐसे ही प्रिपेयर किया, टोटल ओवरहेड्स 1,08,324, अज्यूम कर रहे हैं कि ये आपने फिगर ऑलरेडी कैलकुलेट कर ली है, 98941, 80890 एंड 72720। इट मींस फॉर सर्विस डिपार्टमेंट टू द कॉस्ट इज 72,720, इट इज आफ्टर प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। फॉर सर्विस डिपार्टमेंट वन 80,890। ये आपने एलोकेशन अपोर्शनमेंट कर दिया, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया, बेसिस यूज कर दिए, एरिया, लेबरर्स, पावर, किलोवाट, नंबर ऑफ लाइट पॉइंट्स, सारा कुछ यूज करने के बाद आपने ये फिगर्स कैलकुलेट कर दिए। क्वेश्चन में दी हुई है अपोर्शनमेंट ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स। अब आपने सर्विस डिपार्टमेंट की कॉस्ट
प्रोडक्शन में डालनी है। तो हमें, मैंने आपको ये बताया कि भाई सर्विस डिपार्टमेंट वन ने 50% सर्विसेज तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वन को दी हुई है, 40% सर्विसेज प्रोडक्शन डिपार्टमेंट टू को दी है और 10% सर्विसेज सर्विस डिपार्टमेंट टू को दी है। इसी तरह से सर्विस डिपार्टमेंट टू ने 60% सर्विसेज हैज बीन गिवन टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वन, 20% हैज बीन गिवन टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट टू एंड 20% हैज बीन गिवन टू सर्विस डिपार्टमेंट वन। इट मीन्स इट इज अ केस ऑफ इंटर डिपार्टमेंटल सर्विसेज। बेटे जब एक सर्विस डिपार्टमेंट दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट को सर्विसेज देता है तो उस केस में वहां पर आपको या तो साइमल्टेनियस इक्वेशन या रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन या ट्रायल एंड एरर या डायरेक्ट मेथड या आप स्टेप डाउन कुछ भी लगाएं। इस समय हम रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं और बड़ा ही सिंपल सा है। आप सब कैलकुलेटर अपने हाथ में रख लें भाई साहब। मैंने हेडिंग लिख दी, आप लाइंस वाइंस ड्रॉ करें जी। पहले मैं टाइम दे रहा हूं, हम साथ साथ करेंगे। आपने ये फिगर्स नहीं लिखनी, मैं जब समझाऊंगा तो मेरे साथ साथ लिखेंगे, बट आप लाइंस ड्रॉ कर लें। हेडिंग लिखें स्टेटमेंट शोइंग सब अपोर्शनमेंट और स्टेटमेंट शोइंग सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन एज पर रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन, एज पर रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन। आप लाइंस ड्रॉ कर लें बेटे। लाइन मारनी है, लाइन मारने का मतलब समझते हो बेटे? वो वाली लाइन नहीं मारनी जो आपने पहले मारते थे कॉलेज टाइम में। आपने पेपर में रजिस्टर में लाइनें मारनी है, पर्टिकुलर्स, बेसिस, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वन, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट टू, सर्विस डिपार्टमेंट वन एंड सर्विस डिपार्टमेंट टू। आराम से बेटे, हमने पहले आराम से लिखना है, जल्दबाजी करनी नहीं यार, एक ही तो केस स्टडी है। अब ये जो 108,324 की फिगर लिखी है ना, ये तो मैंने ऑलरेडी आपको दी थी यार, ये रही 108,324। इट मीन्स आई ऑलरेडी डिड एलोकेशन एंड अपोर्शनमेंट, आई ऑलरेडी डिड प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन एंड देन आई हैव कैलकुलेटेड 108,324। सो दैट्स व्हाई आई हैव जस्ट कॉपी पेस्ट, मैंने वहाँ से कॉपी पेस्ट ही किया। आप भी कॉपी पेस्ट कर दीजिए। 94,991 रुपीज और डॉलर्स, 80,890 रुपीज और डॉलर्स, 72,720 रुपीज और डॉलर्स। आपने ये सभी फिगर्स पहले लिख दी, ये तो गिवन ही थी यार, गिवन थी। अब देखना रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन का मजा क्या है। आप बस ये बताओ कि एसडी सर्विस डिपार्टमेंट वन ने 50% सर्विसेज पीडी वन को दी, 40% सर्विसेज पीडी टू को दी और 10% सर्विसेज एसडी टू को दी। तो आइए 50 देखिए बेटे, सब बच्चे 80,890 का 50% निकालिए तो ये आएगा बेटे 40,445। ये 50% है बेटा। बेटे इसका 40% निकाले तो आएगा 32,356, 32,356 एंड इफ आई कैलकुलेट 10% ऑफ दैट कम्स टू 8,089। इट मीन्स आई हैव टेकन केयर ऑफ that how much is the overhead which SD1 is incurring and that total amount has been distributed among PD1, PD2 and SD2. तो मैंने क्या किया, 80,890 का 50% निकाला और PD1 में पटक दिया, 80,890 का 40% निकाला और PD2 में पटक दिया, 80,890 का 10% निकाला and I have added with SD2. Now I have drawn a total line and I have written a basis also, that is 5:4:1. You can calculate that also, 50%, 40%, 10%. Either I can write it down in percentage or I can say 5:4:1. तो मैंने इसका टोटल किया। एक बच्चा कहता किसका, एक को नींद आ रही थी, दूसरा लेट के पढ़ रहा है, थप्पड़ मारूं उसके मुंह पे, लेट के पढ़ रहा है। 108,324 प्लस 40,445, ये आ गया जी 1,48,769। इट मींस मैंने पहली बार SD1 की जब खर्चों को, कॉस्ट को डाला, डिस्ट्रीब्यूट किया, बांट दिया तो मेरे पास 1,48,769 की फिगर आ गई, 1,32,297 की फिगर आ गई। और SD1 में कमाल की बात है, नील आ गया। क्यों नील आया? क्योंकि उसका खर्चा बांट दिया। और SD2 में 80,809 की फिगर आ गई।
एक बच्चा कहता है आगे क्या करेंगे, बता रहा हूँ पहले यहाँ तक तो कैलकुलेटर से कैलकुलेट तो कर लो, आगे क्या करेंगे। नाउ आई हैव टू सी दैट हाउ मच सर्विसेज SD2 हैज गिवन टू द डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। नाउ SD2 हैज गिवन 60% टू PD1, 20% टू PD2 एंड 20% टू PD2 टू SD1। इट मीन्स माई रेशियो विल बी 6:2:2। प्लीज टेल मी हाउ मच विल बी 60% ऑफ 80,809, 20% ऑफ 8,809 एंड 20% ऑफ 80,809। तो मैं आई एम डूइंग फॉर यू 80,809 इंटू 60%, ये आ गया जी 48,485। अब इसी का 80,809 का 20% कर दें तो ये आ गया जी 16,162। 16,162 ईजी है यार, मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा समय लगेगा ना, क्योंकि आपने अब SD2 की कॉस्ट डिवाइड कर दी। अच्छा अब आप फिर आ जाइए, लाइन ड्रॉ कर देते हैं, ये फिगर आ गई जी PD1 में। एक बच्चा कहता है ये फिगर कैसे आई, 1,97,254। देखते हैं कोई है मई का लाल जो मुझे मुझे बता दे कि 1,97,254 कैसे आ गई। बेटे इट इज नथिंग, टोटल करना है, दैट इज 1,48,769 प्लस 48,485, दैट कम्स टू 1,97,285,254। इसी तरह से PD2 निकाल लिया, इसी तरह से फिर SD1 की कॉस्ट आ गई। बेटे SD1 पहले नील था, उसने सारे खर्चे बांट दिए, वो कहता क्या लेकर आए थे क्या लेकर जाना है सब तुम ही ले लो, लेकिन अचानक उसके ऊपर फिर 16,162 रुपए की बरसात हो गई बिकॉज 20% ही हैज टेकन द सर्विसेज फ्रॉम SD2। नाउ SD2 इज जीरो, टोटल कर दीजिए। अब SD1 में दोबारा आ जाएंगे, बेटे दोबारा से आ जाएंगे। SD1 की जो कॉस्ट है that he has given 50% services to PD1, 40% services to PD2 and 10% services to SD2. So I will calculate on the basis of 5:4:1. It means I will be dividing 16,162 in the ratio of 5:4:1. So again, if I calculate 50%, if I calculate 40%, if I calculate 10%, please do it for me, my dear friends. This method is repeated distribution. एक बच्चा का तो कर नहीं रहा, दूसरा कर रहा है। बेटे जो नहीं कर रहा ना, examination fees दोबारा pay करेगा। अब देखिए जी, again, SD2 पहले nil था, लेकिन अभी अभी उसको कुछ प्रसाद मिला बेटे, SD1 से प्रसाद मिला। क्या मिला? प्रसाद मिला। When I say प्रसाद, it means because he has taken the services from SD1. So SD1 ने कहा भैया पकड़ 1,616 रुपए, 1,616। अब SD2 कहता रुक भाई, मैं फिर आया। SD2 की कॉस्ट अब आप फिर दोबारा से डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए 6:2:2, दैट इज इसका 60, इसका 2, इसका 2, करके देखो ना यार, करो ना, हिम्मत करो ना, मजा आएगा जब आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट करोगे, कमर सीधी करके बैठोगे तो अच्छा लगेगा। अब दोबारा से अगर आप देखें तो टोटल करें तो मेरे पास ये कॉस्ट आ गई 206,305, 1,55,323 नील। अब दोबारा से जीवित हो गया कौन? SD1 दोबारा से जिंदा हो गया। बेटे मर चुका था पहले, अब देख रहे हो बार बार जिंदा हो रहे हैं। जैसे पहले जमाने में राक्षस मरते थे तो वो अमृत पी लेते थे तो जिंदा हो जाते थे, दोबारा SD1 जिंदा हो गया। SD1 की कॉस्ट को अब दोबारा मारना है, फिर उसकी कॉस्ट को रिपीटेडली हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे किस में, 5:4:1 की रेशो में। तो मैंने फिर डिवाइड किया, आ SD1 तुझे मार दूं, मर गया। लेकिन अब दोबारा से जीवित कौन हो गया? SD2। आई थिंक अब आप समझ रहे हैं ना, बार बार मुझे रिपीटेडली डिस्ट्रीब्यूट करते रहना है जब तक सर्विस डिपार्टमेंट की कॉस्ट नेग्लिजिबल, निल, ना के बराबर ना हो जाए। तो मैंने फिर किया, फिर अब ये जिद्दा हो गया, फिर इसकी कॉस्ट 6:2:2 की रेशो में। बेटे वंस की फिगर आ गई है, ये बड़ी नेग्लिजिबल है, लास्ट में हम जुगाड़ कर देंगे। जुगाड़ करने के लिए मैंने वो फिगर पिछले स्लाइड से, ये बेटे फिगर आई 206,000
486 ऐड करने के बाद, 1,55,382 ऐड करने के बाद, 7 रुपये की फिगर ऐड करने के बाद, मैंने वही लिखी है, कुछ अपने आप कुछ नहीं किया भाई साहब। ये देखो, ये देखो, अब दोबारा से SD1 जिंदा हो गया, तो अब उस SD1 को मारना है। अब लास्ट में बेटे वंस की फिगर्स रह गई है, बड़ी नेग्लिजिबल फिगर है। मेरे सारे स्टेप्स अब बार बार रिपीट नहीं होंगे। एक बच्चा तो खुशी से पागल सा हो गया, कहता है अब दोबारा तो रिपीट नहीं करना पड़ेगा। नहीं बेटे, 7 को बट बस डिवाइड कर दो, 4 और 3 में इसमें कुछ नहीं है। ये आ गया बेटे, ये आ गया बेटे। अब सर्विस डिपार्टमेंट की कॉस्ट ऑटोमेटिकली एक दूसरे में भी हो गई और प्रोडक्शन में भी हो गई। इसका मतलब आखिरी में आप देखो, सर्विस डिपार्टमेंट की कॉस्ट बेटे हमें पता है नील हो जाती है, क्योंकि उसको तो हम डिस्ट्रीब्यूट ही कर रहे हैं। तो मैं 2,06,490, 1,55,385, ये बेटे ये कॉस्ट आ गई। इसको अब हमने डिस्ट्रीब्यूट करना है, अब्जॉर्ब करना है, खींच के डिवाइड कर देंगे। वो अभी मैंने बताना है एब्जॉर्प्शन, अभी आपको एब्जॉर्प्शन नहीं बताया, बिकॉज माय ऑब्जेक्टिव इज आपको मैं पहले रेसिप्रोकल सर्विसेज के तीनों मेथड्स का रू भरू करा दूं। कैसा लगा बेटा लेक्चर? अच्छा, ये लेक्चर ना आप ज़्यादा इन्जॉय कर सकते हैं अगर आप मेरे साथ साथ केस स्टडी लिखें, आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट करें, मेरी बात को सुने, कमर सीधी करके बैठें, तो ज़्यादा इन्जॉय करेंगे। अब डिपेंड करता है कि आप कितना इन्जॉय करना चाहते हैं। बी हैप्पी, Be jolly, be chill.